तो गांव की सरकार में इस समय हम आ चुके हैं परसामपुरा गांव में, और डॉक्टर राजकुमार शर्मा स्थानीय विधायक, उनका पैतृक गांव है और नौलगढ़ से पहले की बसावट इसकी परसामपुरा गांव की हुई। तो गांव की सरकार में तमाम चेहरों से हम आपसे रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए गाँव की सरकार में। चलिए ले चलते हैं आपको गाँव की सरकार में, परसामपुरा गाँव में। परसामपुरा में आ चुके हैं, परसामपुरा के तमाम सरपंच की जो चेहरे सामने आ रहे हैं उनसे रूबरू होने की आपकी कोशिश करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले एक युवा चेहरा है हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपको मिलाते हैं। कर्णीराम जी नाम है, कर्णीराम जी स्वागत है सबसे पहले आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम कोशिश करेंगे तमाम चेहरों के पास में जाने की, उनसे रूबरू होने की कि आखिर उनके क्या विचार हैं गाँव के लिए। तो सबसे पहले कड़ी में आपसे हम बात करते हैं, क्या विजन लेकर आप चल रहे हो परसामपुरा ग्राम पंचायत को? इस गांव के जो बुनियादी सवाल हैं, आज भी ये गांव वैसे बहुत आगे होना चाहिए था, हमारे विधायक की वजह से ये गांव बहुत आगे पहुंचा है। जैसे विधायक जी के गांव के अंदर एक बहुत बढ़िया खेल मैदान लेके आए, हॉस्पिटल को बहुत अच्छा बनवाया, गांव के अंदर अच्छी सड़कें बनवा दी, स्कूल के सरकारी स्कूल के अंदर साइंस खोल दिया, कॉमर्स खोल दिया, जो सारी चीज़ें थी वो हमारे गाँव के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जो सफाई है, गंदी नालियाँ आज भी गाँव के अंदर नहीं बन पाई हैं, दूसरी पीने का जो पानी है वो आज भी ठीक तरीके से मोहल्लों में नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिनका गांव में अभाव है। इस गांव में इतने सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनके लिए लाइब्रेरी का अभाव है, लाइब्रेरी के लिए बच्चे यहां से नवलगढ़ जाते हैं, सीकर जाते हैं, जिसमें उनका टाइम वेस्ट होता है। स्पेशली एक अच्छा खेल मैदान की ज़रूरत थी, वो विधायक जी लेके आ गए, लेकिन सरपंच जी अगर अच्छे काम करेंगे तो वो काम ज़्यादा तेज़ गति से होगा और जल्दी बच्चों को खेलने के लिए मिलेगा। जब इतने पावरफुल जनप्रतिनिधि इस गांव की पंचायत के मतलब से संबंध रखते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक के रूप में हैं, तो क्या मानते हो कि जो आज तक जो सरपंच रहे हैं उनके विधायक कार्यकाल में क्या मतलब तालमेल, मतलब जिस तरीके से विकास की गति होनी चाहिए कहीं ना कहीं उसमें कमी रही है, आपका क्या कहना? वैसे तो हम सौभाग्यशाली हैं कि विधायक जी हमारे गाँव के हैं, तालमेल की बात ये रही कि जो सरपंच जितना जागरूक और युवा होगा, किसी कार्य के प्रति वो सकारात्मक सोच रखेगा, तभी तालमेल बैठ पाएगा, विकास और कार्य के बीच की बातें जो होंगी। लेकिन जितने भी सरपंच आए आज तक, वो विकास को जो गति प्रदान करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, शायद आपसी समझ बूझ का अभाव होगा या फिर कार्य करने की शैली कुछ अलग हो रही होगी, इसी वजह से गाँव थोड़ा आज भी पीछे है। तो विधायक जी से आपका किस तरीके से सुने, और यूँ कहते हैं ये जानकारी है कि यही है कि तमाम चेहरों के लिए जो जीत कर आएगा वो उनका होगा और इस चुनाव में, और प्रत्येक गांव से यही फीडबैक है कि उनका कोई इंटरफेयर नहीं है, कि जो जीत कर आएंगे वो उनके साथ विकास के कार्य में या विकास की जो राह है उसमें साथ चलेंगे। तो क्या यही परसामपुरा के लिए लागू है? जी बिल्कुल, विधायक जी हमारे बड़े भाई हैं और मुझे तो छोटे भाई की तरह लगाव देते हैं, हमेशा से हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं और चुनाव में उनका कोई इंटरफेयर नहीं होता है। उनका मानना है कि जो गाँव के लिए अच्छा होगा गाँव जिताकर उसे मेरे पास भेजेगा और जो भी जीतेगा वो मेरा है। जो भी जीतेगा वो मेरा है, निश्चित रूप से ये चीज़ होनी भी चाहिए और स्वाभाविक है कि विधायक साहब भी यही कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने आपने साझा की है। चलिए बात और करते हैं, आप छात्र संघ राजनीति से आए हैं और इस गांव के बड़े कॉलेज से आप छात्र संघ अध्यक्ष बने हैं, पिछले चुनाव में आप एससी सीट थी, आप वहाँ चुनाव में कैंडिडेट और आप भी मेघवाल समाज से आते हैं, तो क्या मानते हैं इस बार सामान्य है तो कहीं ना कहीं क्या ये कोई कहीं नुकसान वाली स्थिति तो आप थोड़ी मानते हैं? जी नहीं, कोई नुकसान वाली स्थिति नहीं है, मेरे साथ आज तक कहीं जातिवाद जैसा शब्द काम में नहीं लिया गया और यहाँ इस गांव के अंदर जाति कोई मायने नहीं रखती। इस गांव के लिए मायने रखता है कोई गांव के अंदर युवा विकास कैसे करा सकता है, इस गांव के लिए मायने रखता है कि कौन लड़का या कौन व्यक्ति कौन सा उम्मीदवार इस गांव के लिए कैसे कार्य कर सकता है। मेरे तो सारी जातियों से, युवाओं से, बड़े बुजुर्गों से एक जैसे रिश्ते हैं, मुझे तो अपना भाई बेटा समझते हैं, मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जातिवाद जैसी, और कहीं ना कहीं मुझे तो कहीं नहीं लगता कि ये मुकाबला ज़्यादा कठिन होने वाला है। वो चलिए, वो तो आपका कॉन्फिडेंस है, सभी पक्षों का कहना होता है कि वो बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं, आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। लेकिन मैं जब ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सीट आरक्षित है, तो क्या कभी कोई प्रधान लड़ने का मन नहीं हुआ? जी नहीं, वो तो हमारे विधायक जी हमें चाहते थे कि कहीं से सीट दूसरी जगह दिला कर या फिर कहीं और कन्वेंस करते तो वो अलग बात होती, लेकिन मैं पिछले कई सालों से सरपंच पद की तैयारी कर रहा हूँ। तो
और सरपंच पद की तैयारी कर रहे हैं, ये मानते हैं कि जिस तरीके से परसामपुरा नौलगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बड़ा गांव है, तो क्या कंडी राम ये मानते हैं कि इस गांव के लिए जिस तरह का व्यक्तित्व या होना चाहिए वो कंडी राम के अंदर मौजूद है सरपंच पद हेतु? जैसे हम लोगों ने पिछली बार चुनाव लड़ा था, सबसे छोटा उम्मीदवार मैं था और मुझे इस गांव के अंदर इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला, तो मुझे ये चीज़ कहीं फील नहीं हुई कि मैं कहीं योग्य नहीं हूँ। सिर्फ एक चीज़ मायने रखी लोगों के सामने कि अभी इसकी उम्र छोटी है, अगली बार इसको ज़रूर जिताएंगे। तो क्या मतलब क्या आयाम स्थापित के लिए आप सोच रहे हैं गांव के लिए? ठीक है, यहाँ विकास की जो मतलब कहेंगे तो विधायक साहब आपके मतलब जो भी जीतेगा उसके साथ होंगे या जो भी है उनके साथ होंगे, लेकिन स्वयं आपने क्या आयाम ऐसे टारगेट फिक्स किए हैं कि ये नया परसामपुरा में अगर जनता ने मौका दिया और संजोग होता है चीज़ें आपके, या ये कहेंगे जो भी सरपंच के रूप में अगर आपको मौका मिले तो क्या परसामपुरा में नया कुछ क्या होने जाएगा? इसकी बहुत लंबी कड़ी है लेकिन मैं कुछ गिना देता हूँ। जैसे बीपीएल परिवारों की समीक्षा आज तक इस गांव में नहीं हो पाई। जो बीपीएल के लायक हैं उनको बीपीएल परिवारों में जोड़ा जाएगा, जो लायक नहीं है उनको हटाया जाएगा। दूसरा, खाद्य सुरक्षा के लायक आज बहुत सारे परिवार हैं उनको भी आज तक नहीं जोड़ा गया। बड़े बुजुर्गों की पेंशन आज भी नहीं आ पा रही है। दूसरा, जो सफाई की व्यवस्था है बिल्कुल चौपट पड़ी है, उसको दुरुस्त करने का पूरा काम करेंगे। पीने के पानी की पूरी व्यवस्था करेंगे। गलियों के अंदर जो सड़कें आज तक नहीं बनी है वो सड़कें बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जो गंदा पानी, बारिश का गंदा पानी का भराव होता है जिससे वहाँ पे मतलब खराब माहौल हो जाता है, उसको भी ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकारी स्कूल के जो अंदर अभी कमरे वगैरह नहीं बने हुए हैं, हमारी स्कूल कर्मोन्नत हो गई है। दूसरी चीज़, इंग्लिश मीडियम भी हमें सरकारी मिल चुकी है, उसमें भी भवन बनाना है तो उसके लिए भी हम काम करेंगे। और इस गांव में जितनी भी बेटियां पैदा होंगी उस हर बेटी के नाम पे हर साल पेड़ लगाएंगे। जितनी एक साल में बेटियां होंगी उनके नाम पेड़ लगाकर गांव को हरा भरा बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और हर साल की भांति वृक्षारोपण करेंगे। और मैं तो अलग सोच रखता हूं, एक युवा होने के नाते इस गांव के स्थापना दिवस पर हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन गांव के अंदर करेंगे, ताकि इस गांव के लोगों को ब्लड के लिए वैसे परेशान होना नहीं पड़ता है। विधायक जी की दया है इस गांव के लोगों पर, बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है, लेकिन एक वो एक अलग सकारात्मक सोच हम शुरू करने वाले हैं इस गांव के अंदर। कुछ और नया भी आप करने जा रहे हैं जिस तरीके आपने चीज़ें बताई है, बहुत अच्छी बातें हैं। तो कड़ी राम जी, ज़्यादा जाते हम ये चीज़ और जानना चाहते हैं कि परसामपुरा जिस तरीके से पुराना गांव है, पुराना ये कहेंगे, तो यहाँ का जो कुछ छतरियाँ भी काफ़ी फेमस है, हिस्टोरिकल है, उन पर भी क्या कभी कार्य हुआ है? आज तक तो शायद उन पर कभी कोई कार्य नहीं हुआ है। और हम चाहते हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उनको संभाल के रखा जाए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी विरासत है और विरासत को संभालना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारी जिम्मेदारी बनती है। चलिए, तमाम चीज़ों पर कंडी राम जी ने प्रकाश डाला है, लेकिन एक जो हम लगातार अपील कर रहे हैं तमाम व्यूअर्स से और साथ ही सरपंच के तमाम चेहरों से, उस विषय में भी आपसे हम चाहते हैं कि जिस तरीके से लगातार जो सरपंच के चेहरे होते हैं और उनके फॉलोअर होते हैं उनके बीच में मतभेद हो जाते हैं और वो मतभेद कई समय तक चलते हैं, तो क्या मतलब ये अपील हम और जिनसे हमने इंटरव्यू किए हैं सबसे, हम ये उनसे मुझसे कहला रहे हैं और दिल से कहला रहे हैं कि वाकई मतभेद नहीं होना चाहिए और अगर कोई करे तो उसको दूर करके एक भाईचारे की मिसाल के रूप में चुनाव हो, आप क्या मानते हो? हम भी ऐसे ही मानते हैं, मन भेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकता है किसी को हम पसंद नहीं है, किसी को हम पसंद हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ, तमाम युवा साथी उसे अपील भी करता हूँ कि चुनाव 4 दिन का है, इसके बाद तो हमें इसी गाँव में रहना है, भाईचारा बना के रखिए। हम एक दूसरे के हैं, एक दूसरे हमारे हैं, ना कोई पराया ना कोई अलग है, एक साथ इसी गाँव में रहना है, सारे मिलजुल के रहिए। तो एक साथ रहिए, सब कुछ मिलकर जुल कर रहिए, ये कहना है कर्णी राम जी का। और चेहरों से भी हम रूबरू होंगे और निश्चित रूप से आप भी देखते रहिए हमारे साथ में गांव की सरकार में। और कुछ क्या कह रहे हैं? और भी विकास के मुद्दे हैं, जैसे गांव के मुख्य मार्गों के ऊपर अभी तक कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, लाइटों की उचित व्यवस्था नहीं है। नहीं, वो तो विधायकों से चाहे कोई भी चेहरा हो, तो मैं जितना समझ सकता हूँ, तो सरपंच अच्छा बनेगा तो विधायक जी से मांग करेगा तो विधायक जी को करना पड़ेगा। चलिए, तो ये कंडी राम जी हैं जो सरपंच पद के उम्मीदवार के रूप में आने वाले दिनों में सामने आ रहे हैं और लगातार भी जनसंपर्क में हैं परसामपुरा गांव से। और हम साथ साथ में जो अंतिम ये बात कहना चाह रहे हैं कि हम सबको मिलजुल कर रहना है, चुनाव आते जाते रहते हैं लेकिन भाईचारे की मिसाल पेश करनी है। लगातार आप हमारे साथ देखते रहे स्टैंड टाइम से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होटल नौलगढ़ प्लाजा, लग्जरी रूम, स्विमिंग पूल, बार, रेस्टोरेंट, प्ले जोन, स्पा, रूफ रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल सहित स्टार होटल सुविधा। रोडवेज बस डिपो के पास नौलगढ़, 9929411422।
शिव ज्वेलर्स राजपूती गहनों का विश्वसनीय शोरूम, एक से बढ़कर एक गोल्ड सिल्वर के आधुनिक डिजाइन, चोटवाड़ा पुलियादीप हॉस्पिटल के पास जयपुर 7073186603। इंद्रवस्त्र भंडार कंप्लीट क्लोथ्स वेडिंग कलेक्शन नॉलगेट गुड़ा गोर्जर खंडेला में 50 साल से बनावा ग्राहकों का विश्वास 9468212100।